सो व्हाट इज अप गाइस, वेलकम बैक अगेन फॉर अ न्यू वीडियो। इस वीकेंड पे आज संडे है और हमारी नई वीडियो आ चुकी है। किस बारे में? इस बारे में कि आप अपने पैसे कैसे बचाएंगे अपने हेयर प्रोडक्ट्स को वेस्ट ना करकर, जो आप ऑलरेडी वेस्ट कर रहे होंगे। 99% मेरे दोस्त मेरे भाई ज़रूर वेस्ट कर रहे होंगे, तो प्लीज़ ये भाइयों मिस्टेक सुधारने के लिए अपन चलते हैं वीडियो की तरफ। तो जो मेरा फर्स्ट पॉइंट है इस वीडियो के बारे में वो होगा यूज ब्लो ड्रायर। यार ये मैं काफ़ी वीडियो में बताता हूँ और ये मेरा फर्स्ट पॉइंट इसलिए है क्योंकि ये मेन पॉइंट है। ब्लो ड्रायर का यूज़ करने से आपके बाल जो होंगे ऑलरेडी शेप में रहेंगे। ब्लो एना डैम्प हेयर से ब्लो ड्राई करने पे ऑलरेडी शेप में बाल, मतलब आपको ज़्यादा प्रोडक्ट का यूज़ नहीं करना पड़ेगा। ऑब्वियस ही बात है, आप अपने बालों को शेप ऑलरेडी देख चुके हो तो प्रोडक्ट खाली होल्ड के लिए चाहिए, जो आपको ऑल डे होल्ड प्रोवाइड करवा देगा। आपकी बात यहीं खत्म हो जाएगी, आपका प्रोडक्ट वेस्ट नहीं होगा, मनी वेस्ट नहीं होगा। सेकंड जो पॉइंट है वो है इसी पॉइंट को अप्लाई करके आपको प्रोडक्ट थोड़ा यूज़ करना है और थोड़े से स्पिट्स हेयर स्प्रे के यूज़ कर लेना है। इजी सा पॉइंट है, इसी में से है। हेयर स्प्रे का यूज़ करने का पॉइंट ये है, आपके बाल उधर ही काफ़ी हद तक लॉक रह जाएंगे और आपका टेक्स्चर भी थोड़ा बहुत आ सकता है अगर आप हेयर स्प्रे बालों को थोड़ा स्ट्रैंड्स को पकड़ के लगाओ तो। जो मेरा थर्ड पॉइंट है आपके लिए वो होगा कि आपको कौन सा प्रोडक्ट यूज़ करना है, कौन सी हेयर स्टाइल के लिए। आप अगर हेयर स्टाइल बनाना चाहते हो पोम्पाडोर और स्लिक बैक, यूज़ कर रहे हो क्ले, तो यार ये तो गलत काम हो गया भाई। देखो क्ले यूज़ होता है हाई वॉल्यूम टेक्सचर्ड हेयर स्टाइल्स के लिए, पोमेड यूज़ होती है लो वॉल्यूम या फिर पोम्पाडोर थोड़ा बहुत हाई वॉल्यूम जो अपन ब्लो ड्रायर से प्रोवाइड करते हैं उनके लिए, अगर वो हाई शाइन हो। आप अगर क्ले यूज़ करोगे तो आपका कभी भी वो रिजल्ट नहीं आएगा जो आपका पोमेड से आ सकता है और आप ज़्यादा प्रोडक्ट यूज़ करके बालों को वे डाउन ही करोगे। तो जो मेरा फोर्थ पॉइंट है वो है आपके लिए यूज़ अ हाई होल्डिंग हेयर प्रोडक्ट। हाई होल्डिंग हेयर प्रोडक्ट यूज़ करने से होगा क्या? हाई होल्डिंग हेयर प्रोडक्ट यूज़ करने से एक्चुअल में आपके लिए आपका प्रोडक्ट वेस्ट ही होगा और क्या होगा। मतलब एक बात बताओ, आप एक लो होल्डिंग वैक्स लगा रहे हो वो आप ज़्यादा लगाओगे, आपके बाल वे डाउन हो जाएंगे, कोई मतलब नहीं निकलेगा। इससे बढ़िया एक हाई होल्डिंग क्ले लो, क्ले लोगे टेक्सचर भी आएगा उसके साथ हाई होल्ड भी मिलेगा। तो थम्स अप फॉर दिस पॉइंट। और जो मेरा पांचवा पॉइंट है, आपको अपना हर हेयर प्रोडक्ट शैम्पू या फिर ड्राई शैम्पू लगाने के बाद यूज़ करना है अगर आपके बाल पहले से ऑयली है तो। उससे क्या होगा, आपके बाल जो है वो लाइट वेट हो जाएंगे, लाइट वेट हो जाएंगे तो वो कम प्रोडक्ट से ही संभल जाएंगे, ज़्यादा प्रोडक्ट लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जिससे आप अपने बालों को वे डाउन नहीं करोगे। ऑब्वियस ही बात है आपके बाल पूरे दिन सेट। और जो मेरा लास्ट और फाइनल पॉइंट है, सिक्स पॉइंट, यूज़ टेक्सचर पाउडर। देखो यार टेक्सचर पाउडर यूज़ करने से होगा क्या, टेक्सचर पाउडर एक्चुअल में जो आपको वॉल्यूम चाहिए, जो बेस्ट वॉल्यूम चाहिए वो आपको प्रोवाइड कर देगा, जो स्टिकीनेस चाहिए वो प्रोवाइड कर देगा। आपको क्या चाहिए? होल्ड चाहिए। थोड़ा सा प्रोडक्ट लगाओ, आपको अपना है ना मेन होल्ड जो आपको चाहिए अपने बालों को मेंटेन करने के लिए, पूरे दिन स्टाइल रखने के लिए, वो आपको मिल जाएगा। ऑब्वियस ही बात है यू विल रॉक ऑन। तो था ये मेरा लास्ट पॉइंट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, सी यू नेक्स्ट टाइम। सब्सक्राइब एंड लाइक।